कबाने कासुका 13 साल का लड़का है जो कि इमोशनली नंब है। उसे नहीं पता कैसे अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहिए, जिस कारण वो एक रोबोट जैसा दिखता है। उसे बचपन में ही उसके माता पिता ने उसकी चाची के पास देखभाल के लिए छोड़ दिया, जो कि उससे सारा खेती का काम करवाती थी और स्कूल जाने के लिए मना करती थी। इसके अलावा उसका कजन भाई यातारो और दूसरे गाँव के लोग उससे आने वाली अजीब सी दुर्गंध की वजह से उसको अपमानित करते थे। एक दिन उसकी चाची ने सीक्रेट डिटेक्टिव कोहाची नोगामी को अपने विला में रहने के लिए इनवाइट करा। कबाने उस डिटेक्टिव के कमरे में नाश्ता लेके आता है। वो खुलासा करता है कि उसे पता है इनुगामी यहाँ उसकी चाची के सड़ रहे जानवरों की जांच पड़ताल करने आया है, जो कि हर अमावस्या में अजीब तरीके से सड़ जाता है, और उन्हें दफनाने का काम उसी को मिला है। वो इनुगामी को सुराग देता है कि अपराधी अगले 5 दिनों में हरकत में आएगा। अब कई दिनों तक इनुगामी कबाने के साथ उसके खेत में काम पर जाता है और वो उसकी अजीब सी दुर्गंध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन एक दिन इनुगामी कबाने के नेकलेस का राज उसे बताता है। ये एक अमूल्य स्टोन है जिसे लाइफ स्टोन कहा जाता है, और ये इस बात का संकेत है कि उसके माता पिता उसकी परवाह करते हैं और उन्होंने उसे त्यागा नहीं है। इस बात का एहसास होते ही कबाने के लिए सब कुछ बदल जाता है। कबाने इनुगामी का ऑफर स्वीकार कर लेता है कि वो उसके माता पिता को ढूंढने में मदद करेगा। अब अमावस्या की रात कबाने इनुगामी का बेसब्री से इंतजार करता है, पर उसकी जगह उसका सामना उसके कजन से होता है, जो कि इनुगामी से उसकी करीबी देखकर भीतर से जल रहा था। जलन और कड़वाहट से भरा यातारो उसका लाइफ स्टोन छीन लेता है, जो कि कबाने को उकसाता है, जो कि गुस्से में था। वो अब मॉन्स्टर जैसी आकृति में बदलने लगता है। यातारो लाइफ स्टोन को छोड़ डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब लाइफ स्टोन को वापस पाते ही कबाने अपने इंसानी रूप में लौट आता है। इनुगामी के आने पर कबाने ये जानकर आश्चर्य हो जाता है कि वो किमोनो है, एक मैजिकल बंदा जिसमें रहस्यमय क्षमताएं हैं, और कबाने का लाइफ स्टोन उसके अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है। अब अगले सीन में दोनों समय रहते यातारो को बचाने में कामयाब रहते हैं। इनुगामी एक डॉग घोल को गोली मारता है और कबाने दूसरे घोल का सर एक्स से काट देता है। अचानक से एक मॉन्स्टर डियर वहां सामने आता है। इनुगामी उसे लगातार गोली मारता है, लेकिन वो बार बार रिजनरेट हो जाता है। तभी कबाने आगे आकर अपनी शक्तिशाली पकड़ से उसका सर धड़ से अलग कर उसे मार डालता है। अब यातारो को घर वापस ले जाते हुए रास्ते में इनुगामी कबाने को शूट कर देता है। अब इस बात का खुलासा होता है, उसकी चाची को कबाने की असलियत के बारे में पहले से पता था और उन्होंने ही कबाने को मारने का ऑर्डर दिया था। आगे पता चलता है कबाने जिंदा है और वो एक इमॉर्टल डीमन है। उसके पास रिजनरेट होने की शक्तियां हैं और वो अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उसकी चाची को लगता है कि वो मर चुका है। इनुगामी कबाने को टोक्यो में अपने ऑफिस ले जाता है, जहां वो उसकी एजेंसी के 2 और मेंबर से मिलता है, स्पाइडर किमोनो शिकी और स्नो किमोनो अकीरा। इनुगामी कबाने से किमोनो डिटेक्टिव एजेंसी में शामिल होने के लिए पूछता है और इस पर विचार करने के लिए समय देता है। अब उनका ग्रुप एक पुराने घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, जहां वो पाते हैं एक माँ और बच्चा उस कमरे में फंसे हुए हैं। इनुगामी उन्हें तुरंत सूचित करता है कि ये एरिया सांसीचू बक्स से संक्रमित है और उन्हें फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इन बक्स को वापस उनके घोंसले में भेजना होगा। अब उनके असफल प्रयास के बाद कबाने उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो कमरे में अकेला प्रवेश करता है, जहां सांसीचू बक्स उसे खाने और पैरालाइज करने को तैयार हो जाते हैं, किंतु वो एक इमॉर्टल डीमन है, इसलिए उस पे इसका कोई असर नहीं होता। वो बक्स का फेवरेट आइटम वहां से हटा देता है, जो कि एक शूज का जोड़ा था। अब उनके ग्रुप को पता चलता है कि लड़के के भाई ने उस शूज को कहीं से चुराया था ताकि वो इन्हें अपनी माँ को गिफ्ट कर सके, और उसे अभी भी पछतावा है कि उसकी वजह से उसका परिवार संकट में आया। परिवार के प्रति प्यार देख कबाने उत्तेजित होता है और वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए इनुगामी की मदद मांगता है। अब अगले दिन तीनों मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन के प्रमुख इनारी से मिलने जाते हैं, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की कौन सिर्फ कबाने को अपने साथ मीटिंग रूम में ले जाती है। इनारी अब अपना इंट्रो देते हुए ये बताती है कि किमोनो को इंसानों की एनर्जी पे निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब उसे इंसानों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लाइफस्टोन की ताकत किमोनो के खून की प्यास को रोक सकती है और उन्हें अब इंसान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कौन अचानक से कबाने का सर धड़ से अलग कर देती है और इनारी उसका सर एक ब्रीफकेस में रख देती है ताकि वो खुद को रिजनरेट ना कर पाए। कबाने के दोस्त उसे बचाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे कठिन क्षण में शिकी कबाने के प्लान पे विश्वास कर उसके सर को तेजी से कौन की तरफ फेंकता है, और कबाने उसके कंधे को काट कर उसे घायल कर डालता है। अब लड़ाई के बाद कबाने अपनी बॉडी को वापस रिजनरेट कर लेता है और उनका ग्रुप इस घटना की रिपोर्ट इनुगामी को करता है। अब अगले दिन पार्क में कबाने फिर से कौन से टकराता है, जो कि इनारी द्वारा छोड़े जाने पर टूट चुकी थी, और उसके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अब उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कबाने उसे फाइट के लिए चुनौती देता है। दोनों आपस में लड़ना शुरू करते हैं, जहां कौन उसे लगातार पंच मारती है, लेकिन कबाने अत्यधिक फोर्स से उसे पीछे धकेल देता है। कौन अपनी कमजोरी देख रोने लगती है। कबाने
भगवान ने उसे संतावना देता है और यहाँ से दोनों के बीच में एक गहरी दोस्ती की शुरुआत होती है। मिहाई अब तीनों को ऑर्डर देता है कि उन्हें बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी प्लांट में घुसपैठ कर ये पता लगाना है अचानक वहाँ के सुसाइड रेट कैसे जीरो हो गए। शिकी अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है जबकि कबाने और अकीरा बाहर इंतजार करते हैं। वो जल्दी एक चौंकाने वाली खबर के साथ बाहर आता है कि मैनेजर रीका असल में एक मॉस्किटो किमोनो है और वो अपनी बहन के साथ मिलकर बाकी एम्प्लॉयज का दिमाग चूस रही है जिस कारण उनके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है। अकीरा और कबाने तुरंत बिल्डिंग की तरफ दौड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शिकी खतरे में है, पर मॉस्किटो किमोनो मिमोका उनका रास्ता रोक देती है। कबाने बिना पसीना बहाए उसे हरा देता है। अब वहां पहुंचने पर वो पाते हैं शिकी ने पहले ही मॉस्किटो किमोनो को हरा दिया है। उनकी बड़ी बहन रीका वहां आकर उनसे समझौता करने की कोशिश करती है लेकिन कबाने पीछे हटने से मना कर देता है। रीका अपनी दोनों बहनों का दिमाग चूस कर एक भयानक डरावने मॉस्किटो में बदल जाती है। कबाने उसे पंच मारने की कोशिश करता है पर वो उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसके सीने में अपने डंग से वार कर देती है। ये देख शिकी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर उसे भी बुरी तरह दूर फेंक कर घायल कर दिया जाता है। कबाने रीका की पकड़ तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था भले ही उसे अपने आप को नुकसान पहुंचाना पड़े। तभी कबाने को मिहाई की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने अंदर के किमोनो स्ट्रेंथ को यूज करने की हिदायत देता है। फिर वो उस ताकत का यूज कर रीका के हाथ बेरहमी से फाड़ देता है जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। कबाने रीका को मारने वाला था लेकिन इनुगामी उसे रोक देता है। अचानक वहां किमोनो नोबीमारू आता है जो कि नारी के अंडर काम कर रहा है। वो इस घटना को छुपाने के लिए मॉस्किटो को जलाकर राग बना देता है। अब वहां से जाने से पहले नोबीमारू कबाने को ये राज धीरे से बताता है कि इनारी अभी भी उसके लाइफस्टोन के पीछे है। अब अगली सुबह कबाने को कॉन्गो किया वादा याद आता है और वो उससे मिलने के लिए तैयार होता है। अब वो चारों शिकी के होम टाउन के लिए निकलते हैं ताकि वो उसके अंकल आक्यो ताडेमारू से उसके माता पिता के बारे में पता कर सके। अब उनसे अकेले में बातचीत करने के बाद शिकी ये दुख भरी खबर साझा करता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब अपना मन हल्का करने के लिए चारों पास के जंगल में जुगनू देखने का फैसला करते हैं। जैसे ही उस पल की सुंदरता कम होने लगती है शिकी को पुरानी यादें याद आने लगती हैं और वो तुरंत जंगल की ओर दौड़ता है। कबाने और बाकी साथी भी उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं जहां वो पाते हैं शिकी अपने एक दर्दनाक अनुभव से सदमे की स्थिति में आ गया है। नोबीमारू उस जगह की जांच करता है और वो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैथर पाता है। वो इस नतीजे में पहुंचता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट साइट होगी और यहाँ मिथिकल गोल्डन स्पाइडर वेब बनाया जा रहा होगा और इसके सिल्क में किसी को भी क्योर करने की ताकत है। नोबीमारू आगे खुलासा करता है इनारी ने इस हीलिंग सिल्क को बिकने से रोकने का प्रण लिया था और वो आक्यो ताडेमारू नाम के आदमी को ढूंढ रही थी जो उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अब शिकी को सब कुछ समझ आने लगता है और उसे एहसास होता है उसके अंकल ने हीलिंग सिल्क को बनाने के लिए उसकी माँ पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। शिकी कबाने से उसके अंकल को मारने के लिए मदद मांगता है। अब इनुगामी की मदद से वो आक्यो से उसका अपराध कबूल करवाते हैं। उसका कन्फेशन सुनने के बाद शिकी गुस्से से भर जाता है और उस पर अपने जालों से हमला कर उसकी जान निकालने लगता है। तभी अचानक से वहाँ सैकड़ों खौफनाक स्पाइडर किमोनो उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। आक्यो खुलासा करता है यहाँ हर एक किमोनो उसकी माँ के साथ किए गए उसके फील्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है और ये शिकी के भाई बहन है। ये बात सुनकर शिकी दुख और दर्द से पूरी तरह भर जाता है और वो कबाने से मदद मांगता है। अपनी ताकतवर किमोनो शक्ति का इस्तेमाल कर कबाने लड़ाई के लिए कूद पड़ता है और अपने भीतरी किमोनो को जागृत कर हर एक स्पाइडर किमोनो को अपने हाथों से बेरहमी से कुचल डालता है। पर उसकी चुनौती अभी खत्म नहीं होती। एक विशाल स्पाइडर किमोनो वहां तबाही मचाने पहुंच जाता है। कबाने बिना डरे उस पर हमला कर डालता है और एक ही पंच में उसकी आंखें फोड़ देता है। वो निडरता से लड़ाई जारी रखता है यहाँ तक कि वो अपना हाथ भी गवा बैठता है लेकिन वो हर एक किमोनो का खात्मा करने से नहीं रुकता। अपना हाथ रिजनरेट करने के बाद वो आकियो को पकड़ शिकी के सामने फेंक डालता है और उसे मारने का फैसला उस पे छोड़ देता है लेकिन शिकी दया को चुनता है क्योंकि अगर वो अपने अंकल को मार भी दे तो उसकी माँ वापस फिर भी नहीं आ सकती। अब अचानक से एक आया नाम की युवा लड़की के आने से वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। वो मिहाई की मदद से शिकी की माँ की लोकेशन का पता लगाती है जिसे आकियो ने अब तक छुपा कर रखा था। अब शिकी की माँ क्यूमी को बचाने के बाद इस बात का खुलासा होता है आया असल में शिकी की बहन है और गोल्डन स्पाइडर वेब है जो कि आकियो के एक्सपेरिमेंट से बनी है। अब अगले कुछ मिशन के दौरान अकीरा अनाडियो जैसी गलतियां दोहराती रहती है जिस कारण वो भागने का फैसला करती है। वहीं उनका एक ग्रुप एक रहस्यमयी बर्फ के बने महल की जांच पड़ताल करने के लिए जाता है जो कि अचानक से प्रकट हुआ है। वहां पहुंचकर उन्हें लुई नाम का संदिग्ध युवा आदमी मिलता है। वो कुछ रिपोर्टर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन किस्मत से इनुगामी समय पे आकर उसे रोक लेता है और बताता है कि यूई नल स्टोन के काबू में है। ये एक ऐसा स्टोन है जो कि किसी को भी तबाह और जिंदा कर सकता है और असल में वो आकीरा का भाई है। यूई अपनी ताकत से उन्हें मारने के बजाय फ्रीज कर देता है। कबाने बर्फ से निकलने में कामयाब होता है और महल में उसका सामना अकीरा से होता है। कबाने उसके भाई को हराने के लिए अकीरा की मदद मांगता है लेकिन
अकीरा ये कहकर मना कर देती है कि उसी ने अपने भाई को उन्हें फ्रीज करने के लिए कहा था। वो कबानी के प्रति अपनी नफरत जाहिर करती है, जिसे सुनकर कबानी कंफ्यूज और दुखी होता है। तभी यूई वहां आकर कबानी को दोबारा फ्रीज करने वाला होता है, लेकिन अकीरा बीच में आकर उसे रोकती है और अपने भाई को लेके वहां से चले जाती है। अब इनारी वहां आती है और कबानी को अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए नल स्टोन चुराने को कहती है, लेकिन कबानी इसके बजाय अकीरा को बचाने का विकल्प चुनता है। अब जब कबानी वहां पहुंचता है तो वो नोबीमारू को यूई के हमलों से बचाता है और बड़ी बहादुरी से उनकी लड़ाई को बाधित करता है। अब वो यूई को हराने का प्लान बनाते हैं और उसकी फ्रीजिंग ताकत को रोकने के लिए नोबीमारू कबानी की बॉडी को फ्लेम से कवर कर लेती है, जिस कारण कबानी को एडवांटेज मिलता है और वो यूई के हाथ जला देता है। लेकिन यूई उस पर भारी पड़ता है और वो अपनी बर्फ की ढाल का यूज कर उसके हमलों को रोक काउंटर अटैक करता है। अब कबानी की विनती पर नोबीमारू उसका फ्लेम लेवल बढ़ा देती है, जिसकी मदद से कबानी उसके बर्फ के अटैक को तोड़ते हुए उसके पास आकर लगातार घातक वार करता है। लेकिन जैसे ही वो अपना आखिरी वार करने वाला होता है, अकीरा बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। अब सब ये नोटिस करते हैं कि यूई की बॉडी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है और नल स्टोन उसकी एनर्जी को सोक रहा है। अब कबानी अपने लाइफ स्टोन का सैक्रिफाइस कर नल स्टोन के प्रभाव को खत्म कर डालता है और यूई की जान बचा लेता है। अगले दिन अकीरा अपने बोले गए झूठ के लिए कबानी से माफी मांगती है, क्योंकि वो कबानी को उसके भाई से लड़ने से बचाना चाहती थी। अब जब कबानी यूई से मिलने जाता है तो वो उसका शुक्रिया करता है और बताता है नल स्टोन उसके लाइफ स्टोन जैसा ही है और इसका यूज पुराने समय से शक्तिशाली किमोनो द्वारा किमोनो और इंसानी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए किया जाता था। जिसका मतलब ये हो सकता है कि उसके माता पिता किमोनो चीफ हो सकते हैं। और इस नए जवाब के साथ कबानी और उसके दोस्त उसके माता पिता को ढूंढने के लिए एक नया सफर शुरू करते हैं। नेक्स्ट एनीमे रिकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।